आचार्य जी, हम सब की जो शुरुआत है वो एक बिंदु मात्र से हुई है, और वैसा ही कुछ वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। तो क्या आध्यात्मिक या आंतरिक जगत की जो बात है और ये जो मैटर की जो बात है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में? विज्ञान जिस बिग बैंग की बात करता है वो पूरे तरीके से एक भौतिक घटना है। विज्ञान के अनुसार जहाँ से ये सारा पदार्थ आया वो स्वयं भी पदार्थ ही है, वो किसी अन्य डायमेंशन आयाम में थोड़े ही है। बिग बैंग ये थोड़ी कहता है कि किसी अन्य डायमेंशन से अवतरित हुआ था उस क्षण में पदार्थ। विज्ञान शुरुआत ही वहां से करता है जहां पदार्थ है, और फिर कोई घटना घटती है, कोई प्रक्रिया होती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट है जिससे फिर धीरे धीरे करके जैसा हम ब्रह्मांड को जानते हैं उसका निर्माण होता है। जबकि अध्यात्म जिस बिंदु की बात कर रहा है वो बिंदु भौतिक नहीं है। अध्यात्म जब कह रहा है कि बिंदु से ही सारा संसार आया है तो वो बिंदु भौतिक नहीं है। विज्ञान जब कह रहा है कि बिंदु से संसार आया है तो वो बिंदु भौतिक है। इसीलिए विज्ञान बिल्कुल मूक हो जाता है जब पूछा जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। मूक इसलिए होना पड़ता है क्योंकि समय की शुरुआत ही बिग बैंग से है। जब समय की शुरुआत ही बिग बैंग से है तो ये प्रश्न ही विचित्र पड़ जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग से पहले जो था वो समय के पार का था, और जो समय के पार का है भौतिक नहीं हो सकता। अब विज्ञान जवाब क्या दे? समय की शुरुआत ही कहां से हो रही है? बिग बैंग से ना, वहीं से घड़ी का कांटा सरकना शुरू होता है। और अब आप पूछ लें किसी वैज्ञानिक से कि उससे पहले की भी तो बात बताओ, उससे पहले क्या था, यह वही मूल सत्य है, तो वो चुप हो जाएगा, कहेगा उससे पहले की बात ही नहीं पूछी जा सकती, उससे पहले कुछ था ही नहीं तो क्या बताएं। लेकिन जो चीज है कुछ न होना, ये विज्ञान के क्षेत्र से बाहर की है। विज्ञान का क्षेत्र है मात्र वो जहां कुछ है। है माने क्या हो सकता है? विज्ञान तो आंखों से ही देखेगा, मन से ही सोचेगा, तो वो किसकी उपस्थिति का संज्ञान ले सकता है? पदार्थ, मटेरियल की। तो जहां तक मटेरियल है वहां तक विज्ञान है, पर मटेरियल शुरू होने से पहले क्या था, विज्ञान वहां एकदम चुप हो जाएगा। ये चीज ही पाठ्यक्रम से बाहर की है। हां, पदार्थ के कैसे भी रूप हो उनका अनुसंधान विज्ञान जरूर करेगा, करना चाहिए, यही तो विज्ञान का काम है कि पदार्थ के अलग अलग रूप हों, प्रकार हों, उनकी खोज करो। पर उस जगह, उस अवस्था के बारे में क्या बोले विज्ञान जहां पदार्थ ही नहीं है, फिर बात किसकी करे? और कैसे करें? विज्ञान के पास वो भाषा भी तो नहीं है ना जो अभिव्यक्त कर सके रिक्तता को, या पूर्णता को। आधी अधूरी जितनी चीजें हैं उन सब की बात विज्ञान कर सकता है। समय की नहीं शुरुआत हुई बिग बैंग के साथ, स्पेस की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई है। और पदार्थ जैसे जैसे बढ़ता गया है आकार में, वैसे वैसे
विस्तार लेता गया, स्पेस भी बढ़ता गया है। तो माने बिग बैंग से पहले स्पेस भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था तो बिग बैंग कहां हुआ? फंस गए ना बच्चू, बिग बैंग से पहले ना टाइम है ना स्पेस है, तो फिर बिग बैंग कहां हुआ? हम तो कल्पना ऐसे करते हैं कि ऐसे खुला आकाश है, उसमें कहीं पे बिग बैंग हुआ। अरे आकाश कहां से आ गया? आकाश का तो निर्माण ही बिग बैंग से हुआ है। बिग बैंग कहां हुआ? स्पेस तो था नहीं। जानते हो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि आज तुम्हारी जैसी चेतना है उसका इस्तेमाल करके तुम बिग बैंग की बात कर रहे हो। जबकि हुआ क्या था ये तो उस समय की चेतना ही बता सकती है ना। तुम वास्तव में जब कहते हो कुछ हुआ तो तुम अपने अनुभव की बात करते हो। जब तुम कहते हो फलानी चीज हुई, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? होना क्या है? किसी भी चीज की हस्ती, अस्तित्व या घटना क्या चीज है? उस घटना का अनुभव। क्या कोई घटना है अगर उसका अनुभव ही ना किया जा सकता हो? अगर कोई घटना ऐसी है जिसका अनुभव किया ही नहीं जा सकता तो क्या वो घटना घटी भी कभी? कोई तो होना चाहिए ना उसका अनुभव करने वाला। तो घटना उस घटना को अनुभव करने वाली चेतना से अलग नहीं होती, दोनों एक होते हैं। अब जिस चीज को विज्ञान नहीं समझ रहा है वो ये है कि तुम आज की चेतना का इस्तेमाल करके तब की घटना की बात करना चाहते हो। तुम आज की चेतना के इस्तेमाल करके 1500 ईस्वी की घटना की बात कर सकते हो, तुम अकबर की और अशोक की बात कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तब में और आज में चेतना बहुत ज्यादा बदली नहीं है। तो ठीक है, आज बैठ करके तुम आज से 500 साल पहले की बात कर सकते हो, इतना ठीक है। पर यहां बैठ करके तुम बिग बैंग की बात करो, ये बात ही गलत है। बिग बैंग की बात करने के लिए तुम्हारे पास वो फिर चेतना भी होनी चाहिए जो बिग बैंग का अनुभव कर रही थी। तब बात कर सकते हो, वो चेतना तो है नहीं, तो फिर बात कैसी? समझ में आ रही बात? भाई आज तुम्हारे जो नियम है विज्ञान के, हमें ऐसा लगता है विज्ञान के नियम जो आज हैं वही तब भी रहे होंगे आज से खरबों वर्ष पूर्व। नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान के नियम भी बदल गए हैं। विज्ञान माने प्रकृति के जो नियम है वो तक बदल गए हैं। ये कोई अमर और शाश्वत नियम नहीं है, ये भी समय के साथ बदलते हैं। आप कहेंगे अजीब बात, समय के साथ बदलते हैं? एक क्वांटम मैकेनिक्स के या क्लासिकल मैकेनिक्स के जो नियम है, क्या ये समय के साथ बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। 200, 400, 10, 20 हजार साल में नहीं बदलेंगे। पर जब तुम समय की पूरी रेखा को पकड़ोगे, पूरे विस्तार को या पूरे चक्र को पकड़ोगे, तो वहां तुम पाओगे कि ये नियम भी बदलते हैं। तो तुम अब आज के नियमों का उपयोग करके एक ऐसी घटना का विश्लेषण करना चाह रहे हो जब वो नियम उपयुक्त ही नहीं हो सकते थे, एप्लीकेबल ही नहीं थे। भाई उस समय पर भी क्या वो नियम चलते थे फिजिक्स के जो आज चलते हैं? उस समय न वो चेतना थी जो आज है, न भौतिकी उन नियमों पर आधारित थी जिन पर आज आधारित है। तो उस समय जो हो रहा था वो कुछ चीज दूसरी थी। आचार्य जी, कई बार आपने सत्रों में बताया है कि हमारा जो मस्तिष्क है, भौतिक शरीर है, वो चेतना से किसी तरह से तो जुड़ा हुआ है ही। जैसे हमारे सर पे इम्पैक्ट पड़ जाए तो चेतना तो डिस्ट्रॉट होती ही है। तो जब हम कह रहे हैं बिग बैंग के समय, जैसे वो अलग अलग आयामों की ही बात है, मगर कहीं ना कहीं आयाम जुड़े तो हुए ही, आज भी जुड़े हुए हैं।
तो फिर क्या ये नियम भी किसी तरीके से जुड़े नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखो किसी भी घटना को उस घटना के दृष्टा से या अनुभोक्ता से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है? तुम अभी जैसे हो, ठीक इस पल में ऐसा होने के कारण तुम बिग बैंग का विचार या कल्पना कर रहे हो, समझ रहे हो? तो तुम्हारी जो चेतना है इस पल की, वही बिग बैंग का निर्धारण कर रही है। तुम अभी जैसे हो, तुम्हारा बिग बैंग अभी वैसा है, समझ रहे हो बात को? एकमात्र जो सत्य है वह तो चेतना ही है ना। पीछे क्या हुआ वो चेतना की ही कल्पना है। समय में, अतीत में क्या हुआ वो चेतना की ही कल्पना है। और चेतना है स्थिर, चेतना स्थिर है। पीछे देख रही है, आगे देख रही है, अपना जितना अपने अपने चारों ओर अपने इर्द गिर्द उसे जितना विस्तार बनाना है वो बना लेती है। अतीत वास्तव में अतीत नहीं है। तुम अतीत की ओर ये सोच के देखते हो कि शुरुआत का पता चल जाएगा। बिग बैंग की ओर देखने का उद्देश्य यही रहता है ना, पता तो चले सारी शुरुआत कहां से हुई है ना। सारी शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई है, सारी शुरुआत अभी से हुई है। तुम जब बात कर रहे हो बिग बैंग की तो तुम ऐसा मान रहे हो कि गंगा बह रही है, मुझे गंगोत्री तक पहुंचना है। शुरुआत कहां से हुई है ना? नहीं, यहां खेल वैसा नहीं है, दूसरे तरह का है। तुम यहां बैठ करके अतीत की किसी घटना की बात कर रहे हो, शुरुआत यहां से है। और यहां बैठ करके तुम अतीत की भी बात कर सकते हो, भविष्य की भी बात कर सकते हो। तो शुरुआत यहां से है। बिग बैंग ने तुमको जन्म नहीं दिया। जब तुम बिग बैंग की जिज्ञासा करते हो तब तुम बिग बैंग को जन्म दे देते हो। तुम यहां बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के जन्मदाता हो। तुम अतीत से नहीं आ रहे हो, वर्तमान से अतीत का जन्म हो रहा है। तुम भविष्य की ओर नहीं जा रहे हो, तुम अपनी जगह हो। भविष्य तुमसे जन्म लेगा। बात समझ रहे हो? तुम्हारी कल्पना यह है कि समय की एक धारा है जिसमें तुम बहते हुए चले आ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसी कल्पना सिर्फ तभी तक ठीक है जब तक तुम गहरे देह भाव में हो। गहरे देह भाव में होने से व्यक्ति अपनी आयु गिनने लग जाता है। जब व्यक्ति अपनी आयु गिनने लग जाता है तो ये विचार आता है कि समय की धारा में मैं बह रहा हूँ। देखो, 2 पे था, 4 पे था, 8 पे था, 20 पे पहुँचा, 60 पे पहुँचा, 80 पे पहुँचा, मर गया। जब देह भाव गहरा होता है ना तो व्यक्ति अपने आप को समय में स्थिर नहीं देख पाता। वो फिर अपने आप को समय में बहता हुआ देखता है, क्योंकि उसका अनुभव ही ऐसा है। क्योंकि देह अपना रूप रंग बदलती रहती है। जब देह रूप रंग बदलती है तो उसको यही विश्वास हो जाता है कि मैं इस धारा में बह रहा हूं।
यथार्थ दूसरा है। यथार्थ ये है कि तुम एक ही जगह पर हो, तुम एक ही जगह पर हो, तुम बह नहीं रहे हो। अतीत भविष्य दोनों तुम्हारा विस्तार है, कल्पना है, सपना है। अतीत मेरा सपना है, इसका मतलब क्या 15वीं शताब्दी में जो कुछ हुआ वो मेरा सपना था? बाबा अगर मूल बात यह है कि तुम ही तुम हो, कि 15वीं शताब्दी की बात करने वाले भी तुम हो, कि तुम ना हो, तो मैं कैसे हो सकता हूं, यह अनमोल कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से पता तो यही चलता है ना कि अगर शुद्ध दृष्टि से देखें, साफ मन से विचारें, तो पता चलेगा कि ये 15वीं शताब्दी हो, चाहे पहली शताब्दी हो, चाहे बिग बैंग हो, ये सब मेरे ही प्रक्षेपण मात्र हैं। लेकिन आचार्य जी आप भी तो हैं, मैं ही मैं कहाँ हूं, आप भी तो हैं, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? तुम ही तो कह रहे हो मैं हूं। नहीं आचार्य जी, मैं नहीं कह रहा, ये शुभंकर, ये राघव, ये सब भी कह रहे हैं कि आप हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो हैं? आखिरकार तो इस पूरे जगत की उपस्थिति की आश्वस्ति देने वाला तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं ना। तुम कहो भी कि मैं 10 और लोगों की गवाही लेके भी आ सकता हूं कि 10 और लोग हैं, क्या आचार्य जी मैं अकेला नहीं हूं, और भी लोग हैं, मैं कहूंगा कैसे पता? तुम कहोगे कि मैंने देखा, मैं कहूंगा यही तो मैं कह रहा हूं कि तुमने देखा तो और लोग हैं। तुम कहोगे नहीं मैंने ही नहीं देखा, औरों ने भी देखा, मैं कहूंगा औरों किसने देखा? वो तो मैंने देखा। तो अंततः तुम्हारे अलावा और कोई है ये सिद्ध करने वाला कि दूसरे हैं? तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। जब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है तो ये अकबर अशोक भी कौन थे? ये तुम ही थे बेटा, ये तुम ही थे। पर जीव भाव में फंस करके तुम्हें लगने लगा है कि तुम अलग वो अलग, तुम्हारी एक देह उनकी दूसरी देह। वो कब हुए? वो कभी नहीं हुए। वो तुम यहां बैठे बैठे विचार रहे हो, ठीक बिग बैंग की तरह है, वो भी हुए थोड़े ही थे, तुम्हारा विस्तार है। तुम्हें क्या लग रहा है वास्तव में कोई हुआ था? नहीं, पर हमें तो पता है हुआ था, प्रमाण भी मिलते हैं, हमने उनका तख्त देखा है, हमने उनकी बनाई इमारतें देखी हैं। किसने देखा है? खत्म हो गई बात। नहीं देखा हमने, बनाई तो किसी और ने थी, जिन्होंने बनाई थी उनको किसने देखा है? हमने देखा है। अब ये बात गले से नीचे उतरेगी नहीं कि अकबर भी मैं हूं, अशोक भी मैं हूं, और बिग बैंग भी मैं ही हूं, तुम ही हो। पदार्थ के तल पे तो अकबर की कोई देह तो रही होगी, उस पर चित्र भी हैं, सब कुछ है, मतलब मैं ही उसको देख रहा हूं, लेकिन अगर मेरी देह है तो देहिक तौर पे तो जब तक तुम अपने आप को शुभंकर मान रहे हो तब तक अकबर और अशोक तुमसे निस्संदेह अलग हैं, तुम्हारे मानने पर है। तुम शुभंकर मानोगे तो उधर अकबर भी है, क्योंकि अगर तुम शुभंकर हो तो तुम पैदा ही अभी 25 साल पहले हुए हो, तो फिर तुम कहां से बिग बैंग हो गए? जो 25 साल पहले ही आया है वो बिग बैंग कैसे हो जाएगा?
कोई और सत्य नहीं है उसके अलावा जो ठीक अभी यहाँ पर है, ठीक अभी और यहाँ पर, जरा भी आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं नहीं, सुई की नोक जितना भी अगर तुम विचलित हुए तो झूठ में प्रवेश कर गए। बिल्कुल अभी यहीं पर आ जाओ, जो ये बिंदु है ये, और बिल्कुल अभी यहीं पर आ जाओ, सच्चाई ये है। बाकी सब जो तुम अकबर अशोक कर रहे हो वो कहानियां हैं, और वो कहानियां भी किसके लिए, वो जो विचलित हो गया उसके लिए। और जितना तुम्हारा विचलन होगा, जिस दिशा में विचलन होगा, जिस रूप का विचलन होगा, उसी तरह से तुम्हारी कहानियां होंगी। ठीक अभी बिल्कुल यहीं पर आ जाओ, वो है जिसके बारे में बात निर्विवाद है, वहां कोई बहस नहीं, वो तो है। बाकी सब तो मनोरंजन। ये भी जो ऐसे मेरी ओर देख रहे हो ना, देह भाव ही है तुम्हारा। सारी उलझन ही इसीलिए है क्योंकि कमलेश हो। मुक्ति का अर्थ ही यही होता है, कमलेश नहीं है फिर भी चेतना है। कमलेश को चाहिए कमलेश मुक्त चेतना। और जो कमलेश मुक्त चेतना होती है उसी को सत्य कहते हैं। कमलेश जब आया तो अपने साथ क्या लेकर आया, एक जन्म तिथि और दूसरा वजन। कोई भी आदमी ये दो तो हमेशा लेके चलता है ना, उससे पूछोगे जन्म तिथि बताइए, बता देगा तुरंत फलानी तारीख को पैदा हुए। माने वो अपने साथ क्या लेके आ गया, समय। और कोई भी आदमी अपने साथ वजन तो लेके चले, कोई तो नहीं बोलेगा कि मेरा तो वजन है ही नहीं, तो अपने साथ क्या लेकर के आ गया, स्थान। जहां वजन है वहां क्या होगा, स्थान। तो अब तुमने पैदा कर दिया ना समय, समय जब पैदा कर दोगे तो फिर उसमें गोते मारोगे, कहोगे कितना पीछे तक जाता है और आगे क्या होगा, ये सब चालू हो जाता है। पीछे तक जब जाएगा तो इतिहास
की रचना करोगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आगे तक जब जाता है तो भविष्य की कल्पना करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। चेतना में कमलेश जुड़ा नहीं कि चेतना में समय और स्थान जुड़ गए, चेतना से कमलेश हटा नहीं कि बस वर्तमान बचा। अब कोई अकबर, अशोक, बीरबल नहीं, कोई बिग बैंग नहीं। बंधन क्या है? समय और स्थान से आबद्ध होना ही बंधन है। समय और स्थान को महत्व देकर स्वयं को उनके संदर्भ में परिभाषित करना ही बंधन है। मैं कौन हूं जिसका जन्म फलाने समय फलाने स्थान पर हुआ? देखते नहीं हो जन्म तिथि के साथ साथ अक्सर जन्म स्थान भी लिखा जाता है, साथ ही साथ लिख देते हैं। वो शुरुआत होती है तुम्हारे सपने की। पैदा होना माने अब तुम सपने के एक किरदार हो गए। पैदा होते ही पूरी दुनिया अब तुम्हारे लिए हो गई। पैदा होने से पहले तुम कहां थे? वहां बिग बैंग नहीं था, वहां अकबर, अशोक, बीरबल नहीं थे। कैसे आ गए तुम? एक नर की एक मादा की दो कोशिकाएं मिली, वो इतनी बात तो नहीं कर सकती इतनी तुम कर रहे हो। तुम कहां से आ गए? सपना लेने से पहले तुम कौन थे? ये तो सपने का ही हिस्सा है कि मैं नर्मादा कोशिकाओं के संयोग का परिणाम हूं। इस सपने से पहले तुम कौन थे? और जहां तुम थे वहां कोई बिग बैंग था क्या तब? या बिग बैंग जैसी कोई चीज तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण भी जन्म के बाद ही हुई, जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ? पूछो उससे बिग बैंग के बारे में, बताओ वो क्या बोलेगा। बिग बैंग माने मां के गर्भ से बच्चे का ही नहीं, बिग बैंग का भी जन्म होता है। जब तक बच्चा नहीं था तुम किससे पूछते बिग बैंग के बारे में? जो पैदा नहीं हुआ उससे बात करो बिग बैंग की।
अगर ठीक से मर पाए तो मरने के बाद तुम कौन होगे, और मरने के बाद जो तुम होगे उससे पूछा जाए बिग बैंग तो क्या जवाब देगा? तुम मरे नहीं कि तुम्हारे साथ मर गया बिग बैंग। अब सवाल यह है कि सिर्फ देह से मरोगे, जैसे देह से जन्म लिया था सिर्फ, या जरा बेहतर और पूरा मरोगे? ज्यादातर लोग मरते भी वैसे ही जैसे जन्म लिया होता है। जन्म किससे लिया, मरे भी किससे? अध्यात्म कहता है देह से जन्म लेने का काम, देह से मरने का काम, ये तो अपने आप ही हो जाता है, प्रकृतिगत है, पशुओं में भी हो जाता है। क्या कोई ऐसा मरना हो सकता है जिसमें देह तो बची रहे पर बिग बैंग मर जाए? उसे मुक्ति कहते हैं। समझ में आ रही बात? देह जन्मी किसका जन्म हुआ? बिग बैंग का। देह मरी, देह के साथ कौन मर गया? मुक्ति क्या है? देह मरे उससे पहले बिग बैंग को मार दो, ये मुक्ति है। कि देह तो बची है, बिग बैंग मर गया। कबीर साहब बोलेंगे एक अजूबा देखिया, ऐसा कर डाला कि देह थी बिना बिग बैंग के। तो मुक्ति क्या है? वो बिग बैंग से भी बड़ी है, वो बैंग बैंग है। विज्ञान बस बिग बैंग तक जाता है, अध्यात्म बैंग बैंग तक जाता है।